हेलो साथियों, नमस्कार। मैं रोहित सर आज आप सभी को बताने वाला हूं कि आप 2023 में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और किस प्रकार से आप तैयारी करें। कौन कौन से ऐसे टॉपिक को हम लेकर चलें जो हमें टॉपर बनाने में मदद कर पाए, ठीक है। तो वही चीजें पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। कुछ टॉपिक आपका है जो अगर आप उस टॉपिक को, अगर उस नियम को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बाबू आपके जो 2020 2023 वाला जो एग्जाम है बच्चों, उसमें आप 95% अंक ला पाओगे, ठीक है। तो बच्चों आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट से शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखिए पहला टॉपिक पे आते हैं बच्चों, ठीक है ना। 10 काम है बच्चों, ठीक है ना। ऐसे आपको 10 काम करना है जो कि आपको बोर्ड परीक्षा में बच्चों टॉपर बनाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलिए तो पहला टॉपिक आपका है देखिए, हाँ, 90% अंक स्कोर कैसे करें बच्चों, ठीक है। 90% अंक स्कोर हम कैसे करेंगे, तो सारी चीजें आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बच्चों। तो लीजिए, तरीका नंबर 1 है बच्चों, ठीक है। पहला तरीका आपका है, देखिएगा तरीका क्या कहता है बाबू। सबसे पहले आप पिछले जो आपका 10 वर्षों का जो क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, पिछले 10 वर्षों तक का जितना भी आपका क्वेश्चन बैंक में जितना भी प्रश्न है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सारा कुछ आप एक बार कवर करो, ठीक है ना। सारा का आप एक नोट्स बनाइए। क्या बनाए बच्चों? एक कॉपी में बच्चों, ठीक है, जैसे इस प्रकार से आपका एक कॉपी है, ठीक है। इस कॉपी में बच्चों आप अपना एक नोट्स बनाइए, ठीक है। जितना भी है सारा चीज यहाँ पे आप एक तैयार कीजिए। मक्खन, जिसे हम कहते हैं मक्खन को, जिसे देखिए ना, दूध से इसे मक्खन को किस तरह से निकाला जाता है, उसी प्रकार से बच्चों नोट से आप लोग जितना भी सारा क्वेश्चन है उसे आप निकालिए, ठीक है। क्या करें बच्चों? उसे आप निकालिए, निकालकर आप एक बढ़िया से उसे स्ट्रक्चर दीजिए और उसे आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है। क्योंकि ये अंतिम समय है बच्चों, ठीक है, ये जो आपका है तैयारी करने का अंतिम समय है माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों देखिए, अंतिम समय में स्टूडेंट्स क्या करता है, तो अंतिम समय में यही सब काम करेगा ना जी। देखिए, हाँ, ये आपका हो गया पिछले वर्ष का बच्चों क्वेश्चन बैंक। अब देखिएगा हमारा दूसरा टॉपिक है, ठीक है, तरीका नंबर दूसरा बच्चों क्या कहता है। तो देखिए, तरीका नंबर दूसरा आपका कहता है बाबू कि कम पढ़ो परंतु ध्यान देकर पढ़ो। देखिए, हम आपको ये नहीं कहते हैं कि आप 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटा पढ़ो, 16 घंटा पढ़ो। ये मायने नहीं रखता कि आप 10 घंटा पढ़ते हैं, 12 घंटा पढ़ते हैं, 16 घंटा पढ़ते हैं। मायने ये रखता है कि आपके दिमाग में कितना जा रहा है, ठीक है। मायने ये रखता है बच्चों कि आपके दिमाग में आपका जो कॉन्फिडेंटल है, यानी कि आपका जो दिमाग है, ठीक है ना, कितना वो अब्जॉर्ब कर रहा है बच्चों, ठीक है ना। आपका जो माइंड है, ये जो माइंड है आपको कितना क्वेश्चन अब्जॉर्ब कर सकता है, कितना आप में कैपेसिटी याद करने का, ठीक है। देखिए, बच्चा जो 2 घंटा भी पढ़ता है वो भी स्टेट टॉपर करता है, ठीक है। बच्चा जो 2 घंटा पढ़ता है वो भी स्टेट टॉपर करता है बच्चों, ठीक है। तो देखिए, आप कम पढ़िए, ठीक है, लेकिन उसे बेहतर ढंग से पढ़िए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप 10 घंटा पढ़ो, 12 घंटा पढ़ो, 14 घंटा पढ़ो, ये पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। बस आप ज्यादा नहीं 3 से 4 घंटा पढ़ो, लेकिन केवल और केवल कहां आपका फोकस रहना चाहिए बच्चों, तो आपके पढ़ाई पे फोकस रहना चाहिए। आप जो पढ़ रहे हैं उस पे फोकस होना चाहिए, ना कि भाई एक फोन आ गया तुरंत हेलो किए, फिर 10 मिनट बात किए, फिर पढ़ने के लिए बैठे, फिर 10 मिनट बात किए, फिर पढ़ने के लिए बैठे, वैसा नहीं होगा, ठीक है ना। वैसे में तैयारी आपका नहीं होगा बच्चों। तो आपको अगर तैयारी अच्छी से करनी है बच्चों, तो आप जो है केवल और केवल फोकस कहां दें, तो अपने पढ़ाई पे फोकस दें, ठीक है। ये आपका बच्चों दूसरा तरीका था बाबू, ठीक है। आप देखिएगा तीसरा तरीका आपका क्या कहता है बच्चों, ठीक है। तीसरा तरीका में देखिएगा, हाँ, तीसरा जो आपका तरीका है बच्चों, चैप्टर वाइज जो आपका है, देखिए आपके जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है ना, चाहे वो, चाहे बच्चे फिजिक्स हो, चाहे बच्चे केमिस्ट्री, चाहे बायो, चाहे मैथ, चाहे हिंदी, चाहे इंग्लिश, हर सब्जेक्ट से बच्चों, हर सब्जेक्ट से आप कितना उठाइए, तो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाइए बच्चों, ठीक है। कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों? तो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप उठाओ, हर चैप्टर से उठाओ, ठीक है ना। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सेट बनाइए हर हर सब्जेक्ट से बच्चों, और देखिएगा हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाइए, चाहे आप उसे जहां से लाइए, ठीक है। तो अगर आप इतना करते हैं बच्चों, ठीक है, अगर आप इतना करते हैं, करके अगर इसे आप याद करते हैं,
इतना करके अगर आप आध कर लेते हैं तो बच्चों आपको 90% अंक स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा कोई भी माई का लाल नहीं है जो आपको 90% अंक लाने से कोई रोक सकता है, अगर आप इतना करोगे तो बच्चों। ठीक है, ये आपका था बच्चों तरीका नंबर तीसरा। अब हम आते हैं तरीका नंबर चौथा पे आते हैं बच्चों। ठीक है, ये रहा आपका तरीका नंबर फोर। तरीका नंबर फोर देखिए आपको क्या कहता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों किताब ना पढ़कर, देखिए ये अंतिम समय है ठीक है ना, ज्यादातर किताब किताब इतना मोटा मोटा सरेगा, इतना मोटा मोटा सरेगा, पढ़ने से अब कोई फायदा है नहीं है ठीक है ना। तो अब अंतिम समय में आपको क्या करना चाहिए, ये जो अंतिम घड़ी है, ये जो अंतिम क्षण है बच्चों, मात्र 2 महीना का समय बच रहा है ठीक है ना। कितना बच्चों, तो 2 महीना का समय बच रहा, यही 2 महीने में आपको नैया को बेड़ा पार लगाना ठीक है ना। यही 2 महीना में नैया को बेड़ा पार लगाना है, भवसागर से नैया को पार करना है ठीक है ना। ये जो हम भवसागर में भी फंसे हुए हैं, इस भवसागर से हमें पार होना है बच्चों ठीक है ना। तो कितना दिन में पार होना बच्चों, तो यही 2 महीना में पार होना ठीक है। तो देखिए किताब ना पढ़कर बच्चों अब नोट्स से करें तैयारी। कहां से करें तैयारी बच्चों, तो नोट्स से करें तैयारी ठीक है ना। तो नोट्स कहां मिलेगा बच्चों, तो नोट्स मिलेगा हमारे ड्रीम क्लासेस में मिलेगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, हमारा हेल्पलाइन नंबर होगा बच्चों, उस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके हमसे जानकारी लीजिएगा। हम फुल्ली नोट्स देते हैं बच्चों को, हम फुल्ली नोट्स देते हैं, फुल्ली तैयारी करवाते हैं सभी बच्चे को, तो आप वहां जाके जरूर कॉल कीजिएगा ठीक है। ये आपका बच्चों चौथा तरीका था ठीक है ना, कितना तरीका नंबर फोर था। अब हम आते हैं तरीका नंबर पांचवा पे आते हैं बच्चों ठीक है। लीजिए तरीका नंबर पांचवा देखिए आपका क्या कहता है बच्चों, कि संगठन बनाकर डेली क्यूज करें। देखिए एक संगठन में बल होता बच्चों ठीक है ना, संगठन में क्या होता बाबू, संगठन में बल होता, एकता में बल होती है, एकता में बल होती है, संगठन में ही बल होता बच्चों। तो हमें कोई भी अगर तैयारी हम कर रहे हैं बच्चों, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी करें, चाहे हम 10th का तैयारी करें, चाहे 12th का तैयारी करें बच्चों, तो हमें एक संगठन बनाना चाहिए ठीक है ना। संगठन में बल होती है। देखिए अगर अगर देखिए एक कलम को हम अगर तोड़ेंगे तो तुरंत टूट जाएगा ठीक है ना। वही अगर हम 2 ला देंगे तो इसे थोड़ा सा परेशानी होगा तोड़ने में, नहीं इसे परेशानी होगा। तो वही जो चीजें आपका जो भी क्वेश्चन में परेशानी होगा, अगर अकेले पढ़िएगा तो आप परेशानी होगा, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा, वही चीजें अगर आप संगठन में रहोगे, 4 से 5 लोगों के बीच में रहिएगा, तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा वो आपके फ्रेंड्स बना देंगे, अगर उनसे भी नहीं बन पा रहा तो उनके फ्रेंड्स बना देंगे ठीक है ना। तो इस प्रकार से संगठन बनाकर पढ़िएगा और डेली क्यूज करिएगा ठीक है ना। जैसे आपस में मान लो यहाँ पे 4 साथी बैठे हुए हैं ठीक है, यहाँ पे 4 दोस्त बैठे हुए, ये आपका यहाँ पे बुक रखा हुआ ठीक है, ये आपका बुक रखा हुआ, अगर आप इस बुक से बच्चा इससे क्वेश्चन किया ठीक है ना, तो ये जवाब देगा, ये बच्चा इससे क्वेश्चन किया ये जवाब दिया, अगर ये इससे क्वेश्चन किया तो ये जवाब दिया। तो इस प्रकार से होगा कि आपका जो संगठन है, आपका जो आत्मबल है बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, एक लोहे की तरह हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों, लोहे की तरह आप मजबूत हो जाइएगा ठीक है। अब देखिएगा बच्चों आपका छठा तरीका नंबर सिक्स। तरीका नंबर सिक्स देखिएगा आपका क्या कहता है बच्चों ठीक है। तरीका नंबर सिक्स, आप उस चैप्टर पर ज्यादा ध्यान दीजिए ठीक है ना, आप उस चैप्टर पर ज्यादा ध्यान दीजिए जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है ठीक है, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, उसे देखा तक नहीं है, आप उस पर बल दीजिए, क्योंकि आपने जो पढ़ा है उसे तो पढ़ा है ठीक है ना, आप जो पढ़ लिए उसे तो पढ़ ही लिए हैं। तो बच्चों अब हम उस चीज पे आए, अब हम उस चीज पे ध्यान दें जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है ठीक है ना, जो हमने अभी तक तैयारी ही नहीं किया है, अब हमें उस पर बल देना पड़ेगा बच्चों ठीक है। तो आइए हम कैसे बल देंगे बच्चों, तो देखिएगा जैसे जो भी आपका चैप्टर है ठीक है ना, मान लो आपका 20 चैप्टर का सेट है बच्चों ठीक है ना, 20 चैप्टर का आपका एक सेट है, एक बुक है ठीक है, 20 चैप्टर का सेट है, एक बुक है, मान लो आपने यहाँ पे 15 चैप्टर कवर कर लिया ठीक है ना बच्चों, 15 चैप्टर आपने कवर कर लिया, बच गया 5 चैप्टर जो आपके लिए ज्यादा हार्ड है ठीक है ना। तो यही जो हार्ड आपका है बच्चों, इसी से क्वेश्चन आएगा ठीक है ना, इसी से क्वेश्चन आएगा, हल्का तो सभी पढ़ लेगा, सभी बना लेगा ठीक है, लेकिन जो हार्ड वाला जो चैप्टर रहेगा यही से क्वेश्चन ज्यादा आएगा आपको ठीक है। तो आप जो है केवल और केवल कहां फोकस कीजिए, इस 5 पे फोकस कीजिए बच्चों ठीक है ना, इस 5 पे भी फोकस कीजिए, वो 15 पे भी करना है लेकिन सबसे पहले इस 5 पे फोकस करेंगे ठीक है। इस 5 पे फोकस करने से हमें यह फायदा मिलेगा कि हम तो जो बरियात तो है, जो मजबूत है तो मजबूत है ही है ठीक है ना, लेकिन अगर आप एक 5 अगर जो कर लेते हैं तो आप पे डबल बिल्डिंग लग जाता है ठीक है ना, लोहे पे डबल बिल्डिंग लग गया तो वो क्या हो गया, मजबूत हो गया ठीक है ना,
वो मजबूत हो जाएगा। तो कहता है ना, एकता में बल होती है, ठीक है ना। तो वही जो है आपको बिल्कुल एक शिखर तक ले जाएगी बच्चों, ठीक है। तो ये आपका हो गया बच्चों, छठा आपका हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बच्चों सातवां पे आते हैं। देखिए सातवां तरीका आपका क्या कहता है, आप ऐसे टॉप 10 चैप्टर को उठाएं बच्चों, ठीक है ना। आप ऐसे 10 चैप्टर को उठाएं जो आपको बहुत ज्यादा अच्छा इंटरेस्टिंग लगता पढ़ने में, ठीक है, जो आपको बहुत मजा आता पढ़ने में, ठीक है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे बच्चों कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, हिंदी इंग्लिश, चाहे कोई भी सब्जेक्ट रहे बच्चों, ठीक है। आप 10-10 चैप्टर टॉपिक ऐसा, यानी कि ऐसा उठाइए जो आपको ज्यादातर इंटरेस्टिंग लगता है। उसे आप ज्यादा नहीं, बस उसे आप रिवाइज कर लो, ठीक है। उसे आप रिवाइज कर लीजिए, बल्ले बल्ले हो जाएगा आपका, ठीक है ना भाई। फिर कोई नहीं आपको 90% अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है मेरे बच्चे, ठीक है ना। आपको कोई नहीं रोक सकता है अगर आप इतना करते हैं तो बच्चों, ठीक है। अब आपका बच्चों तरीका नंबर आठवां, देखिए आठवां तरीका आपका क्या कहता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आठवां जो तरीका आपका कहता है बाबू, आठवां कहता है कि टॉप 50 लघु उत्तरीय प्रश्न पर ध्यान दें। टॉप 50 लघु उत्तरीय प्रश्न उठाएं, उसे एक सेट बनाएं, एक नोट्स बनाएं बच्चों, ठीक है ना। एक नोट्स बनाइए टॉप 50 लघु उत्तरीय। अगर 50 नहीं होता बच्चों तो यहां पे आप इसे 150 कर दीजिए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया रहेगा, आप इसे 150 क्वेश्चन लेकर चलिए, बहुत ही काम आएगा आपको, ठीक है ना। बहुत ज्यादा काम आएगा बच्चों। 150 लघु उत्तरीय प्रश्न पर आप ध्यान दें जो पिछले वर्षों के परीक्षा में पूछा गया बच्चों, ठीक है ना। जो आपके पिछले वर्षों के परीक्षा में सारा क्वेश्चन पूछा गया, वहां से आप 150 क्वेश्चन उठाइए, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, तो लघु उत्तरीय प्रश्न को उठाए जो कि आपका एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आता बच्चों, ठीक है ना। जो आपको ज्यादातर क्वेश्चन आता है वो आपको पिछले वर्षों का ही प्रश्न ज्यादातर आता है, ठीक है ना। क्वेश्चन एग्जामिनर कहां से बनाएगा, आपके बुक से ना देगा जी, जो पूछा आ रहा है वही पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। ये आपका हो गया बच्चों आठवां नंबर तरीका हो गया। ये आपका देखिएगा तरीका नंबर नौवां, नौवां नंबर तरीका देखिए आपका क्या कहता है कि आप टॉप 50 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को पढ़े, ठीक है ना। टॉप कितना, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को जो पिछले वर्षों में पूछा गया बच्चों, ठीक है ना। जो पिछले वर्षों में पूछा गया है आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। कितना प्रश्न उठाना है बच्चों, तो आपको 50 क्वेश्चन उठाना है। कितना उठाइएगा, 50 क्वेश्चन उठाइएगा। जो कैसे उठाइएगा, जो आपका क्वेश्चन बैंक में जो पूछा गया है, आप 2009 से लेकर 2022 तक जितना भी आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा गया है आप उसे एक कॉपी में नोट कर लो, ज्यादा नहीं, बस आप उस पर एक एक घंटा डेली बल देना, ठीक है। ज्यादा नहीं, एक एक घंटा बल दीजिए, आपका एग्जाम में 90% अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता मेरे बच्चे, ठीक है। आप इतना कीजिए, बस आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन उपलब्ध नहीं है तो बच्चों क्वेश्चन हम देंगे आपको, ठीक है। कौन देगा बच्चों, तो क्वेश्चन आपको ड्रीम क्लासेस देगा। देखिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है बच्चों, ठीक है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है बच्चों 6200733858। आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, हम बच्चों को नोट्स प्रोवाइड करते हैं। तो हम कैसे नोट्स देंगे बच्चों, तो जो हमारा नोट्स रहता है 4 से 5 बुक से उठाया हुआ, हर टीचर का अपना अपना हाथों से लिखा हुआ नोट्स देते हैं बच्चों, ठीक है। जो भी टीचर है, सारा टीचर हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट है बच्चों, जिन्हें किन्हीं को 10 वर्षों का अनुभव है, किन्हीं का 15 वर्षों का अनुभव, किन्हीं का 5 वर्षों का अनुभव है, तो किन्हीं का 2 वर्षों का अनुभव, यानी कि सारे टीचर जो हमारे साथ जुड़े हैं बच्चों सारे अनुभवी टीचर हैं, ठीक है। तो आप अनुभवी के साथ पढ़िएगा तो जीवन में आप बहुत कुछ कर पाइएगा, ठीक है। तो जीवन में कर पाइएगा, तो बच्चों बस एक लक्ष्य आपको बनाना है, वो लक्ष्य आपका करवाएगा, ड्रीम क्लासेस बनवाएगा बच्चों। आप इस नंबर पर एक बार कॉल कीजिए, नोट्स आप हमारे साथ लीजिए, बिल्कुल बल्ले बल्ले हो जाएगा एग्जाम में, आपको 90% अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता बच्चों। तो बच्चे लोग बताइएगा कि आज का जो, देखिए हाँ, सबसे पहले कि नोट्स सर कैसे देते हैं, ठीक है ना। हमारा जो नोट्स रहता है बच्चों इस प्रकार से, देखिए हाथों से लिखा हुआ नोट्स देगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार से नोट्स देगा बच्चों, हाथ से लिखा हुआ नोट्स देंगे, बिल्कुल देखिए कितना अच्छा से लिखा हुआ, बस इसी प्रकार से देंगे, बस आपको सिर्फ पढ़ना है उसे, ठीक है। तो बच्चों बताइएगा आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, मजा आया नहीं आया। अगर मजा आया तो आप लोग इसे शेयर कीजिएगा, सभी बच्चे के पास में शेयर कीजिएगा, सभी दोस्तों के पास में शेयर कीजिएगा, ज्यादा हो तो आप ही फैला दीजिए सभी के पास, ठीक है। तो बस आज ही बच्चों, आज इतना, आज का वीडियो में बस इतना ही। सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम।